वेलकम टू कुकस्मार्ट विद संजीव कपूर और यहाँ पर तरह तरह की रेसिपीज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। और आज जो रेसिपीज आपको मैं बताने वाला हूँ वो प्योर इंडियन, एकदम हिंदुस्तानी। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा शहर है, नहीं शहर नहीं है, देश है। वैसे पूरा इंडिया जो है पहले तो बहुत बड़ा होता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे डिवाइड होने लग गया। अब जैसे पूरी दुनिया डिवाइड होती है लोगों के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से, खाने के हिसाब से, इंडिया भी काफ़ी तरह से डिवाइड हुआ हुआ है खाने के मामले में। अब कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर कुछ, और जहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं, उगती हैं, उसके हिसाब से वहाँ का खाना वैसा डेवलप हो जाता है। वैसे जो सिविलाइजेशन है, नदियों के किनारे बसी, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन जो कोस्ट है, अब नदियों में पानी, फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसा होता था कि वहाँ पर चीज़ें आराम से उग सकती थी, लेकिन समुद्र के किनारे भी कई चीज़ें उगती हैं और वहाँ के खाने में कुछ अपना ही मज़ा है। आज पूरे एपिसोड में कोस्टल खाना बनाते हैं और थोड़ी मस्ती करते हैं खाने के साथ में। तो ये खाना बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, ज़रा सा तेल ले लेते हैं थोड़ा सा, और ये एक दूसरे पैन में भी मैं तेल ले लेता हूँ और अब फटाफट खाना बनाना शुरू करेंगे। इसके अंदर हम डालते हैं चना दाल, उसके साथ साथ बहुत थोड़ी सी मेथी, मेथी थोड़ी कड़वी होती है तो इसलिए ध्यान से, ये कोरिएंडर सीड्स, उसके साथ साथ काली मिर्च। अच्छा, इसके अंदर लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें हम डालते हैं, ये लीजिए, कोकोनट। ये कोकोनट ले लिया, जैसे ही कोकोनट थोड़ा सा पकना शुरू हुआ इसको कर दिया बंद, थोड़ा सा करते हैं ठंडा और इसे फिर हम करेंगे पेस्ट, बनाएंगे इसकी, पीसेंगे इसे। हींग, और हींग के साथ साथ मस्टर्ड सीड्स, आप चाहें तो थोड़ी सी मेथी इसमें भी डाल सकते हैं। ये जो है बैंगन, ये बनाएंगे हम ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक थोड़ी मोटी वाली होना तो ज्यादा मजा आता है, खैर कोई बात नहीं, ड्रमस्टिक इसके अंदर। तो ये बैंगन और ड्रमस्टिक ले ली, इसके साथ साथ इसमें नमक, और इसमें कुछ डलेगी हल्दी, ज़्यादा नहीं। ये जो रेसिपी है ना, इसका ना रंग लाल है ना पीला, एक तरह से थोड़ा सफ़ेद सा ही है, आप समझ लीजिए। और ये जो है इसे हल्का सा पहले भून लेते हैं और इसको अपने पानी में पकने देते हैं। वैसे इसमें पानी पड़ेगा और ये थोड़ी ग्रेवी वाली, मतलब थिक ग्रेवी वाली रेसिपी बनेगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये मेरे पास में है सेसमी, और ये जो सेसमी है ना, ये पहले से मेरे पास रोस्टेड थे तो इसलिए रोस्ट नहीं कर रहा मैं। तो ये सेसमी सीड्स इसके अंदर, तिल, और अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये लेकर इसकी पेस्ट तैयार करनी है। तो ये पेस्ट बनाने के लिए, ये लीजिए, ये पेस्ट तैयार होगी। ये भाई कोकोनट, कमाल की चीज़ है ना। अब ये बाकी इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो मसाले हैं, काली मिर्च से तीखापन, धनिए का बढ़िया स्वाद, चना दाल जो है उससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है, थिकनिंग तो आती है, और नटी टेस्ट इसके अंदर और भी लेंगे हम वो बाद में। और वो है पीनट्स का, ये ले लिया, और अब इसके अंदर थोड़ा पानी, और पानी डालकर इसकी पेस्ट तैयार करनी है। अच्छा, इसकी जो पेस्ट है वो थोड़ी कोर्स पेस्ट ही रखेंगे, ज़्यादा स्मूथ नहीं इसकी पेस्ट बनाएंगे। ये लीजिए, ये इसकी पेस्ट तैयार, ये थोड़ी सी कोर्स पेस्ट इसकी। और ये यहाँ पर जो बैंगन वगैरह सब हैं इसको पकने के लिए, ये लीजिए थोड़ा
पानी डाल के और हल्दी जो है ना वो थोड़ी सी और। ढक्कन लगा दिया क्योंकि इसमें जो बैंगन और ड्रमस्टिक्स हैं इसको पकने में थोड़ा समय लगता है तो पकने देते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या पक रहा है। हाँ हाँ, क्या खुशबू आई है। सबसे पहले मेथी की खुशबू मुझे आई और ये देखिए बैंगन और ये जो है ये काफी अब सॉफ्ट हो गया है। हाँ, दब रहा है आराम से। और जो हाँ ये भी है ड्रमस्टिक भी, ये भी काफी सॉफ्ट। तो अब ये हमारी जो पेस्ट हमने बनाई है ये हम ले लेते हैं। ये ले लिया। क्या मजेदार मसाला बन रहा है ये। थोड़ा सा गुड़ डलेगा। ये ले लिया थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा टैमरिंड पेस्ट। तो ये इमली का पेस्ट, इमली का पल्प, ये जो सब्जी है। ढक्कन लगाते हैं, 2-3 मिनट तक इसको और पकने दें। अच्छा, आप चाहें तो मैंने आपको कहा था ना इसमें नटी टेस्ट और दे सकते हैं। तो फिनिश करने के लिए इसमें थोड़ा सा क्रश्ड पीनट्स, रोस्टेड पीनट, जो पीनट हैं वो बारीक आपने पीसने हैं या कैसे पीसने हैं आपकी मर्जी। ये देखिए ये जो सब्जी है अब पूरी तरह से तैयार। और इसको सर्व करने के लिए ये लीजिए गर्मा गर्म, बैंगन भी तैयार, मसाला भी तैयार। वाह, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज्यादा चाहिए तो इसी में ही बस पानी और डालना है और कुछ नहीं।